गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा पढ़ी। पूर्णांतरिक परावर्तन में मैंने आपको दो शर्तें बताई थी कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरा उसका पॉइंट है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हम एक वाक्य बना देंगे, और वो जो घटना होगी उसे अपन क्या कहेंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन। अब यहाँ पर हमने डायग्राम में देख लिया था, हमने इसका परिभाषा भी हमने देख ली थी। अब जो इसमें परिभाषा है, एक क्रांतिक कोण, वो परिभाषा हम यहाँ पढ़ेंगे। क्रांतिक कोण को हम व्यक्त करते हैं आई और सी से। आई सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या रहेगी, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है, अर्थात आई किसके बराबर होगा, आई सी के बराबर। आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर होगा, तब आर का जो मान है वो कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये अपवर्तन कोण है और ये आपतन कोण है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कब होगा, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो ये क्रांतिक कोण की परिभाषा है, ठीक है। अगला हेडिंग जो हमारा है वो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि एक श्वेत प्रकाश की किरण का सात रंगों में विभक्त हो जाना, सात भागों में बट जाना, उसको अपन कहते हैं वर्ण विक्षेपण, रंगों का अलग अलग हो जाना। तो वो होगा कैसे, तो जब किसी भी श्वेत प्रकाश की किरण को, अर्थात सूर्य से आने वाले जो प्रकाश की किरण है, उसको हम यदि प्रिज्म के अंदर से गुजारते हैं। अब प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा, तीन तलों से घिरी हुई आकृति प्रिज्म कहलाती है। जैसे मान लो क्यूब है, क्यूब आपने देखा है, लूडो सांप सीढ़ी वाली आपने वो जो पासा होता है वो देखा होगा, है ना। घन की जो आकृति है उसमें चार तल होते हैं, घन की आकृति में दो इधर दो, छह तल होते हैं, दो इधर और दो ऊपर, तो वो छह तल होते हैं उसमें। और जो प्रिज्म है उसमें कितने होते हैं, दो तो यूं और एक ऐसे और दो आगे पीछे, पांच उसमें तल होते हैं। लेकिन जो अपवर्तन का जो काम होता है वो दो तलों द्वारा होता है। तो अपवर्तन, एक तल से प्रकाश की किरण गुजरती है दूसरे कण से, दूसरे तल से वो निर्गत होती है। तो इस प्रकार से प्रिज्म के अंदर से जब हम किसी भी श्वेत आकृति को, श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, तो वह सात रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ये जो प्रकाश की घटना है इसको अपन कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी, जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म में से गुजारते
वह सात रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जैसा देखिए प्रिज्म ये है, ये त्रिभुज जैसी आकृति होती है। ठीक है, और यहां से प्रकाश किरण, ये श्वेत प्रकाश किरण है जो यहां से प्रवेश कर रही है। इस प्रकार से श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, तो यह जो प्रकाश की किरण है इसमें दो बार अपवर्तन होता है और दो बार अपवर्तन होने से यह सात रंगों में विभक्त हो जाती है। और ये कहां गमन करती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये अगर यहाँ पर ये कांच का टुकड़ा नहीं होता, अगर ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता, तो ये प्रकाश की किरण किस प्रकार से गमन करती है, सीधी ऐसे। ये एक सरल रेखा में, क्योंकि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है, तो अगर ये प्रिज्म यहाँ बीच में नहीं होता तो प्रकाश की किरण सीधी जाती है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर बीच में ये प्रिज्म रखा हुआ है, तो ये प्रकाश की किरण किस प्रकार से सात रेखाओं में विभक्त होती है, आपको बीच में गैप देकर और छोटी छोटी सात रेखाएं बनानी है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए इस लाइन को छोड़कर इस लाइन के अतिरिक्त आपको सात रेखाएं बनानी है। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, ये सात रेखाएं हैं, ये सात रंग होंगे, सात रंगों के क्रम होंगे। ठीक है, तो ये तो एक बार अपवर्तन हुआ, अभी तक तो इनका अपवर्तन एक बार हुआ है। अब जब यहां से वापस ये, मैंने कांच की सीली का आपको बताया था अपवर्तन, बताया था ना, उसमें भी दो बार अपवर्तन होता है। पहले वायु से प्रकाश की किरण कांच में आती है और फिर कांच से वापस वायु में जाती है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी दो बार अपवर्तन होता है। यहाँ वायु से किस में गई, कांच में गई, और कांच से वापस किस में जाएगी, वायु में जाएगी। ठीक है ना, तो ये किरण देखिए, ये वाली किरण जो है वो सात भागों में विभक्त हो गई। अब ये किस प्रकार से गमन करेगी, यहाँ पे इधर दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह और ये सात। इस प्रकार से ये सात जो है वो हमें कलर नजर आएंगे, ये सात रंग हमें नजर आएंगे। और इन सात रंगों में जो सबसे ऊपर वाला ये जो रंग है, ये तो होता है लाल, सबसे किनारे वाला पहला जो ये है वो, और जो लास्ट वाला ये है, ये हमें बैंगनी नजर आता है। बैंगनी दोनों किनारे वाले जो रंग है वो कौन से होता है, लाल और बैंगनी। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखना, प्रकाश की किरण का मूल पथ ये है, मूल पथ समझ रहे हो ना, जिस पथ से आया है वो सीधा सीधा वो ये है, ये वाली लाइन है। अब इस वाली लाइन से एक तो अपन लाल रंग देखें और एक अपन बैंगनी देखें, तो ज्यादा कौन मुड़ा, लाल रंग ज्यादा मुड़ा विचलित हुआ या बैंगनी ज्यादा विचलित हुआ, विचलित होने का मतलब अपने पथ से ज्यादा कौन मुड़ा, इस मूल पथ के निकट कौन है और ज्यादा दूर कौन है, जो निकट है वो कम विचलित हुआ और जो बहुत ज्यादा दूर है वो ज्यादा विचलित हुआ। तो आप क्लियर बता सकते हैं यहाँ पे कि लाल रंग में विचलन कम हुआ ना। देखो ये मूल पथ है, इतना ही घुमाए, ये लाल रंग का विचलन है, यहां से लेकर यहां तक ये इतना ही कोण बनेगा, ये इतना कोण लाल रंग का विचलन प्राप्त हुआ। और बैंगनी रंग का विचलन देखो कितना हुआ, यहां से लेकर
यहां तक, ये इतना बड़ा कोण बनेगा या इतना विचलन हुआ किसका, बैंगनी रंग का। तो आप इस डायग्राम से आप क्लियर कह सकते हैं कि लाल रंग का विचलन कम और बैंगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई सबके? तो यहां पर ये इसका मूल पथ है, यहां से मान लो ये प्रकाश की किरण P और Q, जो प्रकाश की किरण आ रही है, और यहाँ इनका विचलन हो रहा है मूल पथ से, ये विचलित हो रही है। और प्रिज्म को अपन नाम दे देते हैं ए बी और सी, ए बी और ये सी, ये प्रिज्म का हमने तीनों जो सिरे हैं उनको हमने ए बी सी लिख दिया, ठीक है। अगर प्रिज्म को लेकर हम पेपर पे अगर आकृति बनाएं तो वो आकृति त्रिभुज के आकार की होती है, उसमें तीन तीन तल होते हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ऊपर नीचे के दो होते हैं वो अलग है, ठीक है। तो अपवर्तन के लिए ये दो जो तल हैं कौन कौन से, ए बी और ए सी, इन दो तलों के द्वारा अपवर्तन होता है। क्लियर हो गया ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि इन रंगों का जो क्रम है वो क्या होगा। रंगों का क्रम निश्चित होता है, कलर जो है वो आगे पीछे नहीं होते, क्योंकि सबका विचलन निश्चित है, किसका विचलन ज्यादा किसका विचलन कम ये निश्चित होता है, इनका वेग निश्चित होता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर माध्यम में। तो इनका जो क्रम है रंगों का वो होता है बैजाने है पीनाला, ये तो है हिंदी में बैजाने है पीनाला, और इंग्लिश में इसका होता है बिबग्योर। बिबग्योर वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, और हिंदी में अगर आप याद करना चाहें तो बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल। तो लाल और बैंगनी, रेड और वॉयलेट, ये दोनों किनारे वाले कलर हैं, बाकी जो रंग है वो बीच में। समझ में आ गया सबके? तो आप इंग्लिश वाला अगर याद करना चाहें तो आप इंग्लिश वाला याद कर सकते हैं, आप अगर हिंदी वाला आसान लगता है हिंदी वाला याद करना चाहें तो आप हिंदी वाला कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सुविधा है कि आप कौन सा याद कर रहे हो, लेकिन रंगों का क्रम आपको सही याद होना चाहिए, आप किसी भी माध्यम से चाहे उसको याद करें, ठीक है। तो ये तो बात हुई रंगों के क्रम की, ये वर्ण विक्षेपण की। अब यहाँ पर बात आती है कि ये सात रंग जो है, इन सात रंगों को अगर अपन पर्दे पर प्राप्त करें, सामने पर्दा हो और पर्दे पर अगर अपन इसका प्रतिबिंब डालें, तो उन सात रंगों का जो समूह हमें प्राप्त होता है पर्दे पर, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। सात रंगों का समूह जिसे अपन, सात रंगों का जो समूह जिसे अपन पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसको क्या कहला, वह क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम में सात रंगों का समूह हमें दिखाई देता है, ठीक है। आपने वो देखा होगा रेनबो, देखा होगा इंद्रधनुष, ठीक है ना, तो वो सात रंगों का समूह ही तो होता है, वो स्पेक्ट्रम ही तो बनता है एक तरह का। तो यहां पर इसको क्या कहेंगे अपन? स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो यहां पर आप स्पेक्ट्रम की भी परिभाषा लिख सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त सात रंगों के समूह।
रहते हैं। समझ आ गया सबके? अब यहाँ पर लाल और जो बैंगनी रंग है उनका हम ये देखेंगे कि विचलन जो है वो किसका कम है, अपवर्तनांक किसका कम है, वेग किसका अधिक होता है, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। और हम यहाँ पर लेते हैं मान लो लाल रंग, ये लाल रंग के लिए अपन पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर अपन ले लें बैंगनी, ये यहाँ पर अपन ले लेते हैं बैंगनी, ठीक है। और सबसे पहले अपन ये देखें विचलन, विचलन विचलन मतलब, विचलन का मतलब क्या है, मूल पथ से मुड़ना, कितना मुड़ा, कौन ज्यादा मुड़ा कौन कम मुड़ा, तो विचलन किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, तो ये अपन देख सकते हैं डायग्राम से। तो विचलन किसका ज्यादा है, डेल्टा आर, विचलन को किससे व्यक्त करता है, डेल्टा से। कुछ पैसे बनाना है, देखो ऐसे करके यूं ऐसे, या आप ऐसे करके यूं बना सकते हो, एक ही बात है, डेल्टा बना सकते हो ना ऐसे। तो यहाँ पर डेल्टा का जो मान है विचलन, देखिए लाल का क्या होता है, कम है ना, लाल का जो विचलन है वो कम, और बैंगनी का वॉयलेट का जो विचलन है वो होता है अधिक, ठीक है। अपवर्तनांक का मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक लाल का कितना होता है, अपवर्तनांक एन, एन से एन के द्वारा व्यक्त किया था, इससे पिछला वाला जो बिंदु पड़ा था उसी में मैंने आपको बताया था कि लाल का जो विचलन है वो अपवर्तनांक जो है वो कम होता है, और वॉयलेट का, बैंगनी का जो अपवर्तनांक है वो अधिक होता है। तीसरा जो है वो वेग, अगर माध्यम समान है, समान माध्यम में एक तो लाल रंग की किरण जो है वो गति कर रही है, एक बैंगनी रंग की किरण गति कर रही है, तो किसका वेग ज्यादा और किसका वेग कम होता है ये आप बता सकते हो क्या? वेग में और अपवर्तनांक में मैंने संबंध बताया था जब अपन ने अपवर्तन पढ़ा था, अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक ये सब पढ़े थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक और वेग में क्या संबंध होता है, क्या बताया था, दोनों व्युत्क्रमानुपातिक होते हैं। व्युत्क्रमानुपातिक का मतलब ये है कि लाल रंग का अपवर्तनांक कम है तो इसका वेग क्या होगा, अधिक, ठीक है। तो वेग जो है वी आर वो क्या होगा, अधिक, और वी वी वॉयलेट का वेग क्या होगा, कम, क्योंकि अपवर्तनांक और वेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था एक, एन टू वन बराबर एन टू बटा एन वन बराबर वी वन बटा वी टू, ये बताया था क्या, पहले माध्यम में दूसरे माध्यम में बताया था ना। तो वेग क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अपवर्तनांक के, इसलिए अपवर्तनांक अगर कम है तो वेग क्या होगा, अधिक, और अपवर्तनांक अगर अधिक है तो वेग क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो अंतर है किसमें, लाल रंग वाले में और बैंगनी रंग वाले में, तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा पता चल गई है आपको, और प्रिज्म से अगर गुजारते हैं तो सात रंगों में विभक्त हो जाता है और सातों रंगों के क्रम ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है गोलियन लेंस, गोलियन लेंस, गोलियन लेंस, लेंस का मतलब होता है पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। तो दो वक्र पृष्ठों से घिरी पारदर्शी आकृति जो है वो लेंस कहलाती है। दो वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब मुड़ा हुआ, दो मुड़े हुए अगर पृष्ठ हैं और वो पारदर्शी हैं तो उनसे घिरी जो आकृति है, उनसे बनी जो आकृति है वो क्या कहलाती है, गोलीय लेंस कहलाती है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, दो
वक्र पारदर्शी दो वक्र पृष्ठ, दो वक्र पारदर्शी पृष्ठ से घिरी आकृति लेंस कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में। और आपके जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पूछा था आपके आंकिक प्रश्न जो है उसमें पहला न्यूमेरिकल बच्चों ने पूछा था, तो न्यूमेरिकल जो सारे हैं वो एक लेंस वाला हो जाए। लेंस वाला टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो लेंस वाला टॉपिक होने के बाद में दर्पण और लेंस से जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, जो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र वाले हैं, वो सारे मैं एक साथ ही करवा दूंगी, ठीक है ना। तो अपन दर्पण के अलग और लेंस के अलग भी करेंगे, मिक्स अगर पढ़ेंगे कि कुछ दर्पण वाले आए कुछ लेंस वाले आए, तो उसमें आपको अंतर भी पता लगेगा कि लेंस वाले में अपन क्या करते हैं और दर्पण वाले में अपन क्या करते हैं। तो ये दर्पण हमने, ये लेंस अपन ने शुरू कर दिया, तो लेंस वाला टॉपिक जब चलेगा, इसमें जब फॉर्मूला आएगा, यू वी और एफ में संबंध आएगा, तो उससे अपन फिर सारे न्यूमेरिकल करने के बाद में, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो करने के बाद में, फिर अपन आगे वाला चैप्टर, अगला जो इस चैप्टर में जो कुछ अगले वाला जो भाग है चैप्टर का, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बीच में, चैप्टर के बीच में मैं लेंस और दर्पण के न्यूमेरिकल करवा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।